आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। प्रिया आज पूरे 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज तक उसने किसी भी लड़के को खुद को हाथ नहीं लगाने दिया था। ऐसा नहीं था कि जवानी का जोश उसमें नहीं था, लेकिन वह हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश में थी और प्यार करने वाले लड़के के साथ ही अपनी जवानी बिताना चाहती थी। बहुत मिलते थे, लेकिन प्यार और सहारा देने वाला लड़का आजकल जैसे कहीं खत्म से हो गए हैं। प्रिया के माँ बाप ने प्रिया के लिए लड़का ढूंढने शुरू कर दिया, लेकिन प्रिया ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि प्रिया पहले प्रेम के बंधन में बनना चाहते थे और बाद में शादी के बंधन में वह अपने महबूब की बाहों का आनंद लेना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके पास भी कोई ऐसा हो जो उसे बाहों में भरकर उससे सच प्यार करें। उसकी सहेलियों के तो बॉयफ्रेंड थे जो उनके साथ जवानी में किए जाने वाले सभी काम करते थे। प्रिया कभी उनको एक दूसरे को चूमते हुए देखती थी, तो कभी बाहों में बाहें डाले, तो कभी कमरे में जाकर बंद होने पर प्रिया उस लड़के की तलाश में थी जिस पर वह पूरा भरोसा कर करके अपने आप को उसको सौंप दे और जो उसे बदले में बेइंतहा प्यार करे, उसे संभाले, उसे पहचाने, उसे समझे। लेकिन ऐसा लड़का आज की दुनिया में मिलना मुश्किल था। दिन प्रिया बिस्तर पर लेटकर फेसबुक देख रही थी, उसने देखा कि किसी राज नाम के लड़के ने उसे एक रिक्वेस्ट भेजी थी। उसने उसकी प्रोफाइल में देखा तो बहुत ही हैंडसम लड़का था और बहुत ही पैसों वाला भी। प्रिया ने सोचा शायद गलती से रिक्वेस्ट आई है, तो उसने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वही रिक्वेस्ट दोबारा आई तो प्रिया ने उसे अपना लिया और देखा कि राज ने उसे मैसेज भेजा है। लिखा है, मेरा नाम राज है, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? प्रिया ने बहुत सोचा और फिर मैसेज किया और बोलो। थोड़ी देर बाद राज ऑनलाइन आ गया और उसने कहा, दरअसल बात यह है कि मैंने आपको अपने दोस्त के साथ देखा था, आपने गौर नहीं किया, लेकिन आप बहुत सुंदर हैं। प्रिया थैंक यू बोली, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जबकि प्रिया सब समझ रही थी कि राज के इरादे क्या थे और वह प्रिया से बातचीत क्यों बढ़ा रहा था। राज ने कहा, प्रिया हम कहीं बाहर मिलकर बातें करेंगे, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? ना जाने क्यों प्रिया ने हाँ कर दी। प्रिया के घर वाले जब नींद की आगोश में सो गए तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि घर में सन्नाटा फैला हुआ था। उसने लाइट ऑफ की और राज को मैसेज किया और उसे मिलने की जगह और वक्त बता दिया। आज प्रिया के सारे अरमान पूरे होने जा रहे थे, जैसे वह मर्द का इंतजार कर रही थी। क्या पता राज वह मर्द हो जो प्रिया का दिल जीत ले। थोड़ी ही देर में दोनों वक्त पर मिलने वाली जगह पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को हाय कहा और फिर दोनों एक साथ ही जगह पर बैठ गए। राज ने उसे थैंक यू बोला। प्रिया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ। देखो हमारी आज पहली मुलाकात है, तो मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने तुम्हें मेरी दोस्त के साथ देखा था। वो शायद तुम्हारी भी दोस्त है जी, तुम यकीन मानो मैंने तुम्हें जब से देखा है मैं रातों को सो नहीं पाया हूँ, जागते हुए भी तुम्हारा ही चेहरा आंखों के सामने रहता है और नींद तो अब मुझे आती ही नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। प्रिया का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था, वह जैसा चाहती थी वैसे ही हो रहा था। राज एक सुंदर और रहीस नौजवान था, बोली, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आज हम पहली बार ही मिल रहे हैं और पहली बार में ही तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है। हालांकि वो यही चाहती थी कि वह राज से चिपक जाए और उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह अपने आप को काबू में किए हुए थे। थोड़ी देर बाद वे दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही प्यार से खाना खिलाया। इतने में जोर जोर से बारिश होने लगी और इसी कारण उन्हें उसी होटल में रुकना पड़ा। लेकिन अब आगे जो होने वाला था उसकी प्रिया को जरा भी भनक नहीं थी। दरअसल राज में और खूबसूरत होने के साथ साथ औरतों के जिस्म से खेलने वाला एक साथी खिलाड़ी था, और जब उसकी दोस्तों से उसकी बात हुई थी कि अगर उसने प्रिया को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाया तो उसका नाम राज नहीं है
और अगर वह हार जाता तो उसे अपने दोस्तों के आगे नाक रगड़नी पड़ती। उन दोनों ने एक होटल बुक कर लिया। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर चाहती थी कि आज उसके सारे अरमान पूरे हो जाए जो कितने दिनों से अधूरे थे। लेकिन उसे यह खबर भी नहीं थी कि वह तो बस एक शर्त का हिस्सा है। धीरे धीरे राज प्रिया के नजदीक आने लगा और दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। राज ने प्रिया के दिल में जगह बना ली और प्रिया को प्यार करने लगा। अब वही प्यार धीरे धीरे प्रिया के होठों को छू रहा था, उसके गालों को महसूस कर रहा था और उसको बेकाबू करता जा रहा था। राज प्रिया को किसी ना किसी बहाने से छू ही रहा था, लेकिन दोनों के कपड़े बारिश की वजह से भीग चुके थे, जिसकी वजह से प्रिया को बहुत ठंड लग रही थी। तो राज ने कहा, प्रिया तुम अपने कपड़े उतार कर पंखे में डाल दो तो जल्दी सूख जाएंगे। प्रिया पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन राज ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करेगा। प्रिया मान गई और उसने अपनी ड्रेस पंखे में सुखाने के लिए डाल दी और राज की शर्ट पहन ली और अपने बेड पर कंबल को लपेट कर बैठ गई। राज भी उसी पेड़ पर आकर बैठ गया और रोमांटिक बातें करने लगे और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। ना जाने प्रिया को अचानक क्या हुआ कि वह राज के और करीब आकर बैठ गई और राज को अपने आगोश में ले लिया। वह राज के बदन की खुशबू महसूस कर रही थी और उसे बेपनाह प्यार कर रही थी। कुछ देर तो राज खामोश रहा, लेकिन उसके बाद राज ने धीरे धीरे प्रिया को प्यार की निशानी देना शुरू कर दिया। कुछ निशानियां होंठों पर, कुछ गाल पर, कुछ कंधों पर। अब दोनों के बीच ठंड नहीं बल्कि गर्मी बढ़ने लगी थी, लेकिन प्रिया को डर भी लग रहा था कि अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन राज ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोनों का बेपनाह मोहब्बत करने का सिलसिला जारी हो गया। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे। कभी प्रिया राज को कस रही थी तो कभी राज प्रिया को गर्म कर रहा था। दोनों के बीच आहों की रस्साक्षी चलना शुरू हो गई थी। अब दोनों सारी सीमाएं पार करने लगे थे, क्योंकि एक दूसरे के बदन की खुशबू दोनों को राज आ गई थी। अब दोनों उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से वापस आना या रुकना नामुमकिन था। करीब आधे घंटे के बाद दोनों के बीच का माहौल शांत हुआ। इतने में बाहर बारिश भी थम चुकी थी। अब लगभग रात के 2 बजे रहे थे, तो राज प्रिया को चुपचाप उसके घर छोड़कर चला गया। प्रिया के घर वालों को भनक भी नहीं हुई कि प्रिया रात भर कहां थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उसका प्रिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सुबह की रोशनी के साथ जब उसकी आंखें खुली तो उसने सबसे पहले राज को हाय हेलो बोलना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया उसने देखा कि उसका एक गंदा MMS बन चुका था और वह लगभग सभी के फोन पर पहुंच चुका था। यह देखते ही प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी ही देर बाद जब उसके मम्मी पापा को अपनी बेटी की करतूत के बारे में पता चला तो वह सब यह बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि वह एक समाज में इज्जतदार इंसान थे। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अब अपनी इज्जत से खिलवाड़ करना नहीं। जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब सच है, तो प्रिया की झुकी गर्दन का इशारा वह समझ चुके थे। इतना सुनते ही प्रिया के पापा को हार्ट अटैक आता है और उन्हें जल्दबाजी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते हैं। प्रिया एकदम अंदर तक टूट चुकी होती है। पूरे समाज की निगाहें सिर्फ प्रिया को ही घूरती हुई होती हैं। प्रिया के पापा के जाने के बाद उसकी मम्मी भी एकदम उदास रहने लगती है, जिसके कारण वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। और कुछ ही महीनों बाद प्रिया की मम्मी भी प्रिया को छोड़कर चली जाती है। प्रिया अपने आप को कोसने के सिवा अब और कुछ नहीं कर पाती है। वह सोच रही थी कि काश उसने राज पर भरोसा ना किया होता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार ऐसे खत्म नहीं होता। अब प्रिया बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। कोई भी रिश्तेदार उसके साथ रहना या उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको लगता था
कि कहीं उनके बच्चों पर भी इस चीज का असर ना पड़े। तो प्रिया एक दिन अपना घर छोड़कर दूसरे शहर में चली जाती है, जहां फिर से वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। और आज सच में वह एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है जैसे उसने बिल्कुल अपने ख्वाबों में सोचा था, और अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन इस बात का अफसोस उसे हमेशा रहेगा कि उसकी एक गलती की वजह से वह सबकी नजरों में एक अपराधी बन चुकी थी और अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए खो चुकी है। इसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें। और खास तौर से लड़कियों से बोलना चाहूंगी कि इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी एक गलती हमारा पूरा जीवन पर बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।